हम यहाँ क्या कर रहे हैं? साईं मेरा क्या नाम है? पता नहीं। साईं मैं कौन हूँ? याद नहीं। पटेरा सब कुछ भूल जाता है। अगवा भी हो सकता है, गोली भी चल सकती है। अरे तू कहाँ से है? राजू राकट है, बिना ब्रेक। घड़ियाल क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नई बात के साथ मैं हूँ फवाद अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान के सिनेमा घर एक अरसे तक अच्छे कंटेंट के अच्छी फिल्मों से महरूम रहे। उन सिनेमा घरों के अंदर वो फिल्में आती रहीं कि जिनके पास ना कंटेंट था, ना कोई स्टोरी थी, ना जिसके अंदर कोई ऐसी सिनेमाग्राफी थी कि जिसके अंदर जिसको देख के लोग सिनेमा में 3-3 घंटे तक रुकते। लेकिन अब पाकिस्तान में इस जमूद को तोड़ने के लिए एक ऐसी मूवी 15 नवंबर को रिलीज़ हो रही है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान बल्कि सिंध के कल्चर को, रिच कल्चर को ख़ास तौर पर प्रमोट करेगी, और बहुत सारे ऐसे मसाइल के जिनके ऊपर बात नहीं हो पाती, बहुत सारे ऐसे मसाइल के जो सरफे नज़र हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल के जिनका अक्स धुंधला जाता है, उनके ऊपर बात करेगी। उस फिल्म का नाम है तलाश, जो जी के फिल्म के बैनर तले रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये फिल्म बैक वक्त मोहब्बत इश्क की दास्तान के साथ साथ भरपूर एक्शन से लबरेज होगी। न सिर्फ ये बल्कि इसकी जो कास्ट है उसने अपने फ़न का जो है वो भरपूर इजहार भी इस फिल्म के अंदर किया होगा। इस फिल्म की कास्ट हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि एक ऐसी फिल्म के अंदर काम करना कि जिसकी एक खूबसूरत स्टोरी हो, जिसमें मोहब्बत भी हो, इश्क भी हो, प्यार भी हो, उसके साथ साथ एक ऐसा मैसेज भी हो कि जो माशरे की तरक्की के लिए, माशरे की तामीर के लिए इस्तेमाल हो, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले देखेंगे इस फिल्म के कुछ शॉर्ट्स, एक छोटा सा ट्रेलर जो बनाया गया है इस फिल्म का जो रिलीज़ हुआ है, जिसको सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी पजीराई मिल रही है, उस ट्रेलर को देखेंगे, उसके बाद आएंगे तो इसकी कास्ट के साथ बात करेंगे। लेकिन तुम खुरम को ढूंढने जा रही हो ना? For God's sakes यार, ऐसे इंसान को ढूंढने जा रही हो जो तुम्हें छोड़ के चला गया। ये मेरा साथी मामला है। वक्त पर जाल डालूं, पकड़ लूं इसे। भैया, भैया, साईं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? साईं मेरा क्या नाम है? पता नहीं। साईं मैं कौन हूँ? याद नहीं। पटेरा सब कुछ भूल जाता है। अगवा भी हो सकता है, गोली भी चल सकती है। अरे तू कहाँ से है? राजू राकट है, बिना ब्रेक। घड़ियाल क्या होता है? खतरनाक डाकू। हम यहाँ माँ और बच्चों के हवाले से कैंप लगाने आए हैं। मेरे के घर बैठा हुआ है। मुबारक हो, हमें फौरन पहुंचना है। चलो चले निकले। क्या बदतमीजी, सब छा गया है। ये देख, इसे मास ही नहीं है डिप। जो डॉक्टर और तालीम न होने की वजह से हो। अभी 2 घंटे हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका। कोट अकमल शाह से डॉक्टर नहीं गायब हो गई है। मैं समझूंगा कि ये मेरी इज्जत पर हमला करने वाले थे तुम दोनों। जमाल शाह वालों ने इसको अगवा करवाया। मैं हूँ ना, मैं हूँ, हाल लूंगा मैं, संभाल लूंगा मैं। सिग्नल की गई बत्ती, गुटे पे पड़ा लंगर, मछली फेरी पे चला पत्थर। सदियों से यही तजिया, गुंडों में घिरी रजिया, तबरी है ये आफत है, जीना तो कयामत है। नाज़रीन, तलाश की खूबसूरत कास्ट को आखिरकार हमने आपके लिए तलाश कर ही लिया। हमारे साथ मौजूद हैं फारिया हसन, लीडिंग रोल है, हीरोइन है इस फिल्म की, जिसकी बात हम तस्करा हमने इब्तदा में भी किया, जिसका ट्रेलर भी आपने देखा। सलीम महराज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इस फिल्म के अंदर एक खास रोल है उनका। उस खास रोल के हवाले से भी बात करेंगे कि कितना उन्होंने इन्जॉय किया, कितना अच्छा लगा कि किसी मौजूआती फिल्म के ऊपर जिसके अंदर रोमांस भी हो, एक्शन भी हो, थ्रिल भी हो, ड्रामा भी हो, उस सारी चीज़ के साथ किस तरीके से फिल्म को लेकर चलना आगे अच्छा लगा। सलीम महराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप भी है तशरीफ लाए, स्टूडियो में तशरीफ लाए। जाहिर है कि एक बड़े कॉज की एक बड़ी फिल्म है। फारिया, आपका भी शुक्रिया। सलीम साहब, कैसा था सिंध के रेगजारों के अंदर एक रिकॉर्डिंग करना? जाहिर है कि इससे पहले हमारी ज़्यादातर जो मूवीज़ हैं पाकिस्तान में जो बनती हैं, उसका ताल्लुक सिंध के रेगजारों से कम नहीं होता। एक मौजूआती फिल्म जो सिंध में रिकॉर्ड हो रही हो, उसके अंदर काम करना कैसा लगा? सबसे पहले डायरेक्टर, प्रोडक्शन कंपनी और
बहुत तहफ़ात थे, बहुत डर था, इंटीरियर में जाके शूटिंग होगी, मौसम भी कुछ गर्म जैसा था और डरे हुए थे और रिहाइश और वो सारी चीज़ें, एक्टर थोड़ा सा वो पजल रहता है कि यार जाके पता नहीं क्या होगा। अगर अच्छी चीज़ें मिल गई तो शुक्रगुजार होते, अगर बुरी चीज़ें मिल गई तो थोड़ा सा मुंह बनाते हैं और उसके बाद काम शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत कम प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं हमारे कैरियर में जिसमें आप पूरे प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, पहले दिन से लेके आज यहाँ तक चेहरों पे मुस्कुराहटें रहती हैं, डायरेक्टर से लेके स्पॉट बॉय तक। तो ये उनमें से एक प्रोजेक्ट था जिसमें सब ने एंजॉय किया, मज़े से काम किया है और काम को भी एंजॉय किया और काम के बाद का जो वक्त होता है उसको भी एंजॉय किया। इंटीरियर में जाके काम करने का एक्सपीरियंस पहले भी था, पहले भी मैं थर पार्कर और मिट्टी वगैरह इधर शूटिंग की है जो कि बहुत मुश्किल हालात में की थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट का, इस प्रोडक्शन की खासियत ये थी, बाखुदा लफाजी नहीं है, कि उमरकोट जैसे इलाके में, मिट्टी जैसे इलाके में, मटियारी जैसे इलाके में और हैदराबाद में, वो तो खैर एक शहर है, हमें बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया, एक्टर से लेके जितना हमारा क्रू था सबको। जब ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन की तरफ से बहुत अच्छी होती है ना, तो फिर एक्टर की एक्टिंग, डायरेक्टर की डायरेक्शन और ये जितना भी हमारा टेक्निकल स्टाफ होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे थे और जुड़े हुए थे हम लोग सारे एक्टर एक दूसरे से, डायरेक्टर से जुड़े हुए थे, बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और अदाकारों को जो जमा करने का ज़ीशान का तरीक़ेकार था या कास्ट करने का, वो मुस्तफ़ा कुरैशी से लेकर अगर हम में से जो भी सबसे जूनियर है वहाँ तक, ज़ीशान ने सबको जमा कर दिया और सबको उसके कैरेक्टर के हिसाब से रोल दिए थे। तो अच्छा एक्सपीरियंस है सारा, सब कुछ बहुत अच्छा, एक खूबसूरत गुलदस्ता था। यानी कि अच्छा, इसमें जो प्लॉट था वो दूसरी मूवीज से हटकर है, क्योंकि तलाश के प्लॉट में हमने एक तलाश देखी है, एक ऐसे कॉज को हमने सपोर्ट किया है, वहाँ पर हमने देखा कि जो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, सिंध के उस इलाके का मसला नहीं है, बल्कि दुनिया भर का मसला है कि दुनिया भर में गजाई किल्लत का शिकार जो बच्चे होते हैं उनकी अमवात हो जाती है, छोटी उम्र में शादियाँ हो जाती हैं खवातीन की, जिसके बाद जो है वो पूरा जो सिस्टम है नस्ल का वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाता। तो एक फिल्म के जरिए मैसेज देना, ये कितना अच्छा होता है आवाम के लिए, क्योंकि आप लोग जाहिर है कि स्टार्स हैं, आपको देखने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं, एक डेडिकेटेड टाइम लेके लोगों ने जाना है सिनेमा के अंदर, तो उसके साथ अगर कोई मैसेज भी मिल जाए, एक ऐसा कॉम्बो मिल जाए जिसमें मैसेज भी हो, तो ये कैसा होता है? हम लोग जब किसी कॉज पे जाते हैं ना तो हमारे सोसाइटी का असर होता है, जब हम लोग मसाइल में फंसी हुई सोसाइटी है हमारी, हम लोग परेशान ज़्यादा रहते हैं, अगर हम, मुझे लगता है कि हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तब भी हम लोग ऐसा लगता है टेंशनों को तरजीह देते हैं। तो उस, जब भी हम किसी ऐसे टॉपिक पे आते हैं ना तो हम आर्ट की तरफ चले जाते हैं, ड्राइनेस की तरफ चले जाते हैं, वो जो कमर्शियल वो जो अहमियत होती है उसको खो देते हैं। लेकिन नदीम असद के स्क्रिप्ट में यही खूबसूरती है कि उसने बहुत ही तकलीफदेह बातें जितनी भी गजाई किल्लत, एजुकेशन और ये बहुत छोटी उम्रों में शादी, ये सारे बहुत बहुत तकलीफदेह चीज़ें, इन इश्यूज़ को बहुत, उसके साथ जो लवाजमत थे ना वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही, आपको थोड़ी देर बाद स्माइल भी आती है आपके चेहरे पे, आप इंजॉय भी करते हो, फिर आप उस फेज़ में भी जाते हो, फिर उससे निकलते हो। तो वो स्क्रिप्ट का खासा था और ज़ीशान की मेहनत थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत कड़वी बात कह दी है, बहुत मीठे तरीके से, यानी कि शुगर कोटेड गोली एक ऐसी थी कि जो हाँ। जो जब लोग स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो उन्हें एहसास नहीं होगा, और फिर फाइनली देखने तो फिल्म जा रहे हैं ना, तो फिल्म का एलिमेंट भी होना चाहिए और मैसेज का साथ साथ होना चाहिए, मतलब ये ना लगे कि किसी खास मसले के ऊपर प्रेजेंटेशन दी जा रही है। हाँ हाँ, वो आपको एक डॉक्यूमेंट्री ना लगे ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट भी मैंने किए, जैसे थोड़ा सा पहले एक फिल्म आई थी सावन जो कि बहुत पसंद की गई थी इधर उधर बाहर ममालिक में, जिनके लिए ये इशू बहुत अहम है और हमारे यहाँ पे इतनी कोई दो चार दिन ही चली थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी ये कमर्शियल वैल्यूज़ कम थी, तो फिर लोग इंटरटेन होने तो बहरहाल जाते हैं सिनेमा। अच्छा फारिया, आपकी तरफ आते हैं, आपने एक ऐसी मूवी में काम किया कि जिसके अंदर सब कुछ है, एक कॉम्बो है पूरा, ड्रामों से निकल कर इसमें आना और एक ऐसी मौजूआती फिल्म की तरफ आना कि जिसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें प्यार भी है, मोहब्बत भी है, रोमांस भी है, जिसके अंदर लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, एक मौजू भी है, किसी को मैसेज देने का मामला भी है, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका एक बड़े पर्दे के ऊपर आना, और बड़े पर्दे के ऊपर भी आने के बाद अच्छी फिल्म के अंदर बड़े पर्दे में आना? जी, एक्टर से पहले मैं एक व्यूअर भी हूँ, ऑडियंस भी हूँ। जब मैं बाकी फिल्म्स देखती हूँ
वापसी पे हम लोग यही सोच रहे होते हैं फिल्म में क्या देखा, मैसेज था या टाइम ज़ाया किया, पैसे ज़ाया किए. तो जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिला तो आई फेल्ट प्राउड ऑनेस्टली कि फिल्म तो है ही मगर उसके साथ एक कॉज और उसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं. सिर्फ ये नहीं बता रहे ये मसला है, उसका सोल्यूशन भी दिया जा रहा है जो कि बड़ी बात है. मतलब हम अपने ऑडियंस को एजुकेट भी कर रहे हैं साथ साथ विद एंटरटेनमेंट, तो अच्छा लग रहा है. अच्छा, उसको आपने किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया, नूरे से जाने को इन्जॉय किया आपने, अपने उस किरदार को ज़्यादा अच्छे तरीके से महसूस किया, या जो भाग दौड़ थी सारी फाइटिंग थी उसको आपने ज्यादा, क्योंकि ड्रामों में फाइटिंग नहीं होती, होती भी है तो सिर्फ जबानी कलामी होती है, लेकिन यहाँ तो बाकायदा फाइट भी हुई है, सब कुछ हुआ है. मुझे हर चीज अभी भी जो हम बैठे हैं उस ट्रांस में ही है, बहुत मजा आया. अगर जिस दिन मेरा सीन का गैप भी होता था तो मैं देख कर यू नो बाकियों के सीन्स मजा आता था. तो ईच एंड एवरीथिंग आई थॉरली एंजॉयड. अच्छा सलीम साहब, आपकी तरफ आते हैं दोबारा. एक ऐसी फिल्म की जिसमें एक मैसेज दिया जाए तो नॉर्मली जिस तरह से आपने भी कहा कि वो बहुत बोरिंग हो जाती है, तो फिल्म ऐसी क्या खास बातें हैं कि जो लोग देखने के लिए जाएं उन्हें पता लगे कि इसमें कोई बोरियत नहीं है, इसमें सारी चीज़ें हैं. अगर खामोशी से हम लोगों ने वो फिल्म देख ली तलाश, तो मैं तो 100 में से 100 नंबर दूंगा उसके स्क्रिप्ट को. ये हो सकता है कि हम लोगों ने एक्टिंग में और प्रोडक्शन टीम में थोड़ी सी डायरेक्शन में उस राइटिंग को थोड़ा सा कम कर दिया हो, लेकिन मैं सारे नंबर राइटिंग को दूंगा कि इतनी खूबसूरत नदीम असद ने इतनी अच्छे जुमले लिखे हुए हैं कि परफॉर्म करते हुए हम लोग को बहुत मज़ा आया. लेकिन ये चंद स्क्रिप्ट्स में से था कि जो सुनते हुए मज़ा आया था, नहीं तो नॉर्मली मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर आप मुझे 2 घंटे का स्क्रिप्ट सुनाएंगे तो कसम से मुझे नींद आ जाती है. प्रोडक्शन क्वालिटी कैसी थी? प्रोडक्शन सुपर, क्योंकि आपके लिए कोई नया सेट नया नहीं था, आपके लिए कोई चीज़ नई नहीं थी, सिर्फ लोकेशंस कुछ मेरा ख्याल है थोड़ी सी मुख्तलिफ थी फिल्म के हिसाब से. बिल्कुल बिल्कुल, प्रोडक्शन एक्टर बहुत बहुत सेंसिटिव भी होता है और कि मैं दिख कैसा रहा हूँ प्रोफेशनल भी होता है, लेकिन एक्टर मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी खास तौर पे बात करूँगा, एक्टर बहुत थोड़े से में बहुत खुश हो जाता है. अगर आप उसको बहुत थोड़ा सा अच्छा सा फैसिलिटेट कर देंगे, थोड़ा उसको पैम्पर कर देंगे तो वो बहुत खुश हो जाता है. उसके लिए आपको, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत है. बहुत थोड़ी सी बेसिक्स होती हैं वो आप पूरी कर दें एक्टर की, तो एक्टर बहुत मुतमईन हो जाता है. और इस प्रोडक्शन में वो सारी चीज़ें, में मुझे लगता है कि दो चार नंबर आगे थे उसके. आरिफ हमारे लाइन प्रोड्यूसर थे, आरिफ, प्यार से हम उसको आरिफ कमांडो कहते हैं, अच्छा उनका नाम याद आ गया. तो वो जंगल में, बाखुदा जंगल कमांडो में बने हुए, आरिफ कमांडो, वाकई वो कमांडो हैं अपने काम के. उनको ये नहीं होता था कि अगर हम उमरकोट में किसी देहात में या जंगल में शूट करें तो फारिया को, एक्टर को या किसी को, हम में से किसी को कुछ चाहिए. अब ये एक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी जगह पे ऐसी चीज़ की डिमांड ना करे कि जो वहाँ रनवे ना मांग ले जहाज का. तो वो सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड की, चाहे वो फूड हो, चाहे वो रिहाइश हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट हो शूटिंग के बाद की, वो भी बहुत ज़रूरी होती है. तो वो सारे लवाजमात इसमें पूरे थे. और हम लोग ज़्यादातर फिल्में, पाकिस्तान हो या इंडिया, वो बहुत सारी फिल्मों में, हमारी फिल्मों में पंजाब का कल्चर और वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि कामयाबी की जमानत होता है तो फिर बिजनेस भी है. लेकिन इस फिल्म की खासियत ये है कि इस फिल्म में सिंध का कल्चर, उसका म्यूजिक, यानी कि बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से हम दूसरी तरफ चले गए. जो तस्वीर का वो रुख जो दिखाया नहीं जाता था वो इसमें दिखाया गया, वो कल्चर सिंध का और वो म्यूजिक, वो सारी चीजें इस फिल्म में नजर आई. सलीम साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे कि वडेरे का किरदार आपको कैसा लगा, सूट भी किया, आपको मजा भी आया उसके अंदर, या आपने कहा कि यार वडेरे के बजाय मौला जट बनाते ज्यादा अच्छा लगता. नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, बड़ी मजे की बातें हो रही है. उस फिल्म के बारे में बात हो रही है कि जो 15 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी और उम्मीद ये की जा रही है कि इसका बिजनेस ये ब्लॉकबस्टर होगी, बहुत अच्छी होगी, प्रोडक्शन के एतबार से बहुत अच्छी होगी, स्टोरी के एतबार से बहुत अच्छी होगी, और जो तमाम मैसेज उसके जरिए दिया जाना है, जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, उस हिसाब से बहुत अच्छी होगी. देखते हैं आप. हम यहाँ माँ और बच्चों के हवाले से कैंप लगाने आए हैं. घर बैठा हुआ है, मुबारक हो. हमें फौरन पहुंचना है. चलो क्या बताइए, ये देख इसे मास ही नहीं है डिप, जो डॉक्टर और तालीम न होने की वजह से हो. सब मार के दौड़े हैं.
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। तलाश मूवी की कास्ट के साथ मौजूद हैं, जो 15 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। आप देखेंगे कि उसके अंदर एक बिल्कुल एक तब्दील किस्म की आप पाकिस्तान की जो मूवी इंडस्ट्री है, जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है, आप देखेंगे उसमें उसका सिनेरियो जो है तब्दील करने वाली मूवी होगी। उसी की कास्ट से बात हो रही है कि 15 नवंबर को आखिर होने क्या जा रहा है, और उससे पहले जो 2-2.5 साल ये करते रहे वो बुनियादी तौर पर था कि आगे जिसको हम 15 तारीख को अपने पर्दे पर देखेंगे, सिनेमा की स्क्रीन पर देखेंगे। फारिया, आपको अपना रोल कैसा लगा? उस रोल में सबसे ज्यादा मजा किस चीज के अंदर आया? भागने दौड़ने में मजा आया क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा है कि आप कभी दाएं भाग रही हैं, कभी बाएं भाग रही हैं, बल्कि आपका प्रोड्यूसर साहब ने जिन्होंने भी एडिट करवाया उन्होंने उसमें भागना दौड़ना आपका ज्यादा डाला है, तो भागना दौड़ना कैसा लगा वो भी सिंध के सहराओं में? 5 दिन भगाया है कंटिन्यूसली। वो रात में मैं मेडिसिन खा के सोती थी, रोज तकलीफ दर्द होता था। मैं कहूँगी दबंग रोल है, डॉक्टर तानिया का है, तानिया नाम है, बहुत ही माचो लड़की है, वो डरती नहीं है। तो जब मैं पढ़ रही थी मुझे मज़ा आ रहा था, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं रिलेट करती हूँ इस कैरेक्टर से। नहीं, आपने रिलेट की बात की, तानिया का रोल था, डॉक्टर का रोल था, तो वहाँ थर में तो बड़ी बातें सुनी हुई है कि सांप भी निकल आते हैं, और जो है वो वहाँ पे बिच्छू भी होते हैं, और अचानक हिरन भी आ जाते हैं, तो पता नहीं क्या क्या आ जाता है। मैंने किसी को नहीं देखा। आपने देखा नहीं, खौफ नहीं था आपको, सुना नहीं था लोगों से? नहीं, डर नहीं, सुना भी नहीं था और डर भी नहीं। क्रू इतना होता था हमारे, कोई भी क्रू का एक छोटा सा हमारा बच्चा मरने के लिए तैयार था। एडो डायलॉग बुदायो जे को ता के बार बार याद अचे तो ता चो तो वीआईपी डायलॉग है, पर मुंजा डायलॉग तो उर्दू में आए। उर्दू में बुदाय छे, देख ले हमने भी सिंधी बोल लिए, फिर ये ना कोई कहे के सिंधी नहीं बोली थी। सिंधी है, पता चल गया। अच्छा, जो इन्होंने कहा उसी का जवाब दे दूं? आपने ठीक कहा, मैं आसमान से नहीं गाड़ी से उतरी हूँ, अब आप भी जमीन पर आ जाएं। इसको सिंधी में भी बोल देना एक दफा, ताकि हमारे जो, क्योंकि देखें इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत जिशान भाई से जब मेरी बात हुई प्रोग्राम से पहले, तो उन्होंने बताया कि एक बहुत खूबसूरत सिंधी गीत भी इसके अंदर उन्होंने डाला है कि जो बिल्कुल तब्दील कर देगा सिंध की सारी प्रोडक्शन के सिनेरियो को, क्योंकि सिंध में भी प्रोडक्शन हो रही हैं, गाने भी बन रहे हैं, शमन अली मीरानी को भी लोग सुनते हैं, यहाँ के लोग फनकारों को भी सुनते हैं, लेकिन ये पूरी एक जदीदियत उस गाने के अंदर आ जाएगी। तो कुछ थोड़ा सा सिंधी में भी कहना, ताकि कनेक्टिविटी एक बन जाए सिंध की और तलाश की। वैसे तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए सर बन गई कनेक्टिविटी, तो ट्रेलर जब आया तब बन गई, और बाकी चीज़ों से बन जाएगी। म्यूजिक उस गाने की जो बात करें तो मैं तो बहुत जोर दे रहा हूँ कि हमारा वो ट्रम्प कार्ड है भाई, वो सॉन्ग। जैसे हमारे फोक स्टूडियो में बहुत सारे पुराने ऐसे गाने जो मर गए थे, गायब हो गए थे, उनको उसने जिंदा कर दिया, तो एक्चुअली वो भी हमारा एक फोक सॉन्ग ही है, लेकिन उसको उन्होंने जदीद तरीके से रिकॉर्ड किया, जो बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया उसका शूट हुआ वीडियो वो भी, और वो जो वोकल है वो भी बहुत अच्छा। अच्छा फारिया, कोई यादगार वाकया हो? एक फिल्म के लिए काफी दिन रहना पड़ता है, ड्रामा तो छोटा सा एक होता है ना, सुबह घर चले गए वापस आ गए, तो ये कैसा है? कोई यादगार वाकया हो, कुछ निकल आया हो, कोई सांप आ गया हो, कोई रेत के अंदर पांव दब गया हो? हाँ, ये हुआ है, हमें पानी में जाना था, आई डोंट नो ट्रेलर में है कि नहीं है, उसमें ट्रेलर में तो भाग आप बहुत रही है, भाग भाग, तो उसमें भागना था पानी के अंदर, तो हमारे पैर तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, धस कीचड़ में थे, तो वो बहुत टफ था। एंड फनी भी, BTS हम दिखाएंगे, बहुत मेहनत लगी उसमें, एंड इट बिकेम वेरी फनी टू, मजा आ रहा था करके। अच्छा सलीम साहब, प्रोडक्शन क्वालिटी कैसी होगी, क्या तवक्का लोग रखें कि ये एक हम पल्ला होगी किसी इंटरनेशनल मूवी के? यार कंटेंट की बात होती है, इंटरनेशनल मूवी के हम पल्ला कंटेंट से कह सकते हैं, ऐसी बहुत सारी हमारी फिल्में हैं जो इंटरनेशनली बहुत पसंद की गई हैं, और यहाँ पे लोग बोलते हैं अच्छा ये भी फिल्म थी जी, जैसे रामचंद्र पाकिस्तानी है, या जोश है, या दुख्तर है, या साइलेंट वाटर है, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो इंटरनेशनली बहुत पसंद की गई हैं, और यहाँ पर उनके नाम को भी नहीं जानते, तो किसी काम को आप हम लोग जज नहीं कर सकते, वो तो पब्लिक ने और उन लोगों ने फैसला करना है कि बहुत बुरी चीज़ होती है वो इंटरनेशनली बहुत पसंद की जाती है, और बहुत आला दर्जे की चीज़ होती है, और वो सिर्फ जिसने बनाई होती है वो घर में देखता है। चलें सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए स्टूडियो। अहमद जेब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, फिल्म के हीरो हैं, ज़ाहिर हीरो से भी ज़रूर बात करेंगे, विलन ने तो काफ़ी जो है ना वो तफसील से बताया है, लेकिन नाज़रीन कहा यह जा रहा है जो सोशल मीडिया के ऊपर रिस्पॉन्स है, जो एक रिस्पॉन्स जनरल रिस्पॉन्स आता है ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद,
वो ये कहता है कि एक इंशाल्लाह ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी, सिंध की पूरी एक जो कम्युनिटी है उसको बहुत अच्छे तरीके से आलमी बरादरी के सामने पेश करेगी। इस फिल्म के हवाले से बहुत तवक्का की जा रही है। हीरो से बात करेंगे, फारिया भी हमारे साथ, हीरो हीरोइन दोनों मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि पर्दे के ऊपर उनका कैसा एक्सपीरियंस है आपका। सदियों से यही तजिया, गुंडों में घिरी रजिया, तबरी है ये आफत है, जीना तो कयामत है। सब मार के दौड़े हैं। ब्रेक के बाद एक बार था फिर खुशामदीद। तलाश के तलाश के तलाश के तलाश के तलाश हीरो से बात हो रही है, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस तरीके से सिंध के रेगजारों से लेके कराची के जो साहिल हैं वहाँ तक किस तरीके से इस फिल्म को कामयाब बनाने की पॉलिसी की है। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद जेब साहब जो हीरो हैं मूवी के, उनसे बात करेंगे। फारिया हमारे साथ पहले भी मौजूद थी, उनसे भी बात करेंगे। फारिया, एक ऐसी मूवी कि जिसमें एक पैगाम दिया जाए, तो उसमें काम करते हुए एक पैगाम जब लोगों को देने की बात आती है तो बंदा प्राउड फील करता है कि यार मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ जो सोसाइटी को कुछ डिलीवर करेगा। तो क्या आपकी फीलिंग्स थी खास तौर पर जब आपको पता लगा कि ये मूवी जो है इसका कोई एक ऐसा प्लॉट है कि जिसमें एक मैसेज दिया जा रहा है, तो वो मैसेज देने के दौरान आपको कैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि आप किसी की भलाई का काम कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा था ऑनेस्टली, एंड उससे भी ज़्यादा ये अच्छी बात है कि मेरी पहली फिल्म है, एंड पहली फिल्म कमर्शियल विद अ कॉज इज़ अ बिग थिंग। तो बहुत अच्छा, थ्रू आउट में आई वाज फीलिंग प्राउड। अच्छा, अहमद के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी थी? बहुत अच्छी। अहमद और मैं एक तो नकली सा तो कुछ नहीं लग रहा था। नहीं, हम खुद से भी बहुत करते थे, एंड जीशान भाई जो है हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो फ्री हैंड देते हैं, तो उन्होंने कभी हमें रोका नहीं, हम खुद से भी कर लेते हैं, क्योंकि वो एक बन गई थी ना केमिस्ट्री, कितना हमने काफी काम किया था उसके ऊपर। अच्छा अहमद, आपकी भी पहली फिल्म थी, एक ऐसी फिल्म के जो रूटीन से थोड़ा सा हट कर हो लेकिन उसमें सारी चीज़ें हों, उसके अंदर एक आप ये कह लें कि एक पैकेज डील हो, उस पैकेज डील में काम करना कितना अच्छा लगा, कितना मज़ा आया, क्या तलाश किया? सबसे पहले तो फवाद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने शो पर बुलाया, इट्स अ रियल ऑनर टू बी हियर। दूसरा पहली फिल्म है, यस, लेकिन जैसे फारिया ने पहले बात की कि जब स्क्रिप्ट दी गई और हमने अप्रोच किया गया, तो इनिशियली पढ़ते ही आपको रियलाइज़ हो गया कि ये और मूवियों की तरह नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है। और एक बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि एक बड़ा अच्छा कॉज है साथ अटैच्ड, और हमें चांस दिया जाएगा कि हम में कॉन्फिडेंस रखा गया है कि हम ये चीज़ डिलीवर कर सकें, और ये बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए। और सलीम मेराज साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी एंड अदनान शाह टीपू जैसे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, हम एक्टर्स जो टेलीविजन से ट्रांजिशन करके फिल्म में आ रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग कर्व है ये, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। कोई प्रॉब्लम हुई आपको कि एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की प्रोडक्शन थी, ड्रामे की प्रोडक्शन थोड़ी सी ब्रॉड नहीं होती, इतनी ज़्यादा उसके अंदर वसत नहीं होती, बड़े पर्दे के ऊपर जाना? बिल्कुल सर, काफ़ी नर्वस भी थे? नर्वस तो थे, आई थिंक नेचुरल एक एलिमेंट होता है, इंसान नर्वस होता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हमें अपनी प्रोडक्शन टीम और डायरेक्टर साहब से बहुत कॉन्फिडेंस दिया गया था कि हमें इन चीज़ों की फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत बड़ा वेट आपके शोल्डर से उतार दिया जाता है और आपको सिर्फ परफॉर्मेंस का मार्जिन दे देते हैं कि आप इसके ऊपर फोकस करें, बाकी सारी चीज़ें आर टेकन केयर ऑफ। तो एक बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है एज एन एक्टर। बट कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि ये इतनी डिफरेंट नहीं है फ्रॉम, आई फील लाइक जो पाकिस्तानी सिनेमा है वो बॉलीवुड और अदर फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा हट के है, हमारी एक अपनी आइडेंटिटी है, वी लाइक टू टेल गुड स्टोरीज इन अ वेरी सिनेमैटिक वे, सिनेमाटोग्राफी हमारी अच्छी होती है, स्टोरी टेलिंग अच्छी होती है, हमारे OSTs और स्कोर्स हम एकदम से डांस नहीं करना शुरू हो जाते, यू नो लाइक वो म्यूजिक भी सेंस मेक करता है विद इन द सीन, उसका भी कोई रीजन होता है, उसके रीजन होने की कोई वजह होती है। बिल्कुल, तो जिस तरह हमारा का साउंड ट्रैक है, वी हैव रॉक म्यूजिक जो मेरे कैरेक्टर उनके कैरेक्टर पे बहुत बैठता है। अच्छा, कैरेक्टर की बात की, एक काम करते हैं ना पहले, जी जी, प्रोड्यूसर साहब इसको मास्टर फ्रेम पे ले जाइएगा, आप दोनों को एक अच्छा सा डायलॉग जो आपको बार बार याद आता हो या जो बड़े दिल से आपने कहा हो वो जरा एक कह के दिखाएं। अब एक हमारा बिकॉज हमारी रिलेशनशिप ऐसी है, और थोड़ा सा बता भी दीजिएगा कि हो क्या रहा है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारी रिलेशनशिप एक ऐसी है, बड़ी लव हेट रिलेशनशिप जैसे होती है दोस्तों के बीच में। तो मेरा कैरेक्टर इनको बोलता था कि अगर मैं एक सवाल पूछूंगा तो जवाब देगी या आगे से बोलती दूंगी, तो अगर सवाल पूछूंगा तो देगी, दूंगी, अनशन बोलूंगा तो फिर भी देगी, अनशन बोलेगा तो नहीं बोलूंगी। सो वी ट्राइड, जीशान भाई ने हमें बिठा के साथ
जब रिहर्सल्स कर रहे थे तो हम दोनों को इंट्रोड्यूस किया, हमें बताया कि यू नो 80% ऑफ आवर सीन्स हमारे साथ ही होंगे. तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि यू नो इनिशियली आप पहली बार मिल रहे हैं तो शायद केमिस्ट्री ना हो, बट हम दोनों ने बहुत काम किया इसके ऊपर. वी शेयर्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ ईच अदर, हमने डिस्कस किया आपकी डिसलाइक्स क्या हैं, लाइक्स क्या हैं, उस तरह से हमें वी गॉट टू नो द पर्सन बेटर और उससे फिर और ऑप्शंस आगे बहुत खुल जाते हैं. सो अच्छा फिर ये 15 नवंबर को आपकी पहली मूवी लॉन्च होने जा रही है, क्या तवक्का है, क्या एक्साइटमेंट है, लोगों से क्या तवक्का है कि वो आपके मैसेज को और आपके कैरेक्टर को कितना पसंद करेंगे? मुझे लग रहा है पसंद करेंगे, क्योंकि ये रोती हुई लड़की नहीं है, हंसती हुई लड़की, हंसती हुई कॉन्फिडेंट एम्पावर्ड है. और मुझे लगता है हर लड़की वो करेगी रिलेट के यू नो कहीं गलत हो रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं करती, कॉन्फिडेंस यू नो. तो मुझे लग रहा है. अच्छा जो आपको कैरेक्टर दिया गया, आपको लगता था कि वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच कर रहा है या बस अब जिशान भाई ने कहा कि आपको ये करना है, आप हीरोइन है, आपने भाग भाग के अपना बुरा हाल कर लेना है, तो आपने कहा बस ये दौड़ लगाते हैं. दिल ये चाह रहा था कि मैं विलन वाली साइड पर होती और वहां पे जो है ना वडेरे की बीवी का रोल अदा करती और लोगों की मार धाड़ करती, तो अंदर से फीलिंग आ रही थी कि ये कैरेक्टर मेरे लिए बना है या आपका दिल चाह रहा था कि मुझे वो वाला कैरेक्टर मिलता तो मैं उसमें देखते मैं फिर मैं देखती क्या करती. मैंने वन गो में स्क्रिप्ट पढ़ा, पढ़ने के बाद जब जिशान भाई आए मैंने कहा दिस इज मी, आई एम टेलिंग यू दिस इज मी. तो वो यूं मुझे देख रहे हैं ना, क्योंकि तब तक इतना काम नहीं किया था. मुझे लगा ये मैं हूँ. एंड ऑनेस्टली आगे जाके तो मैं अलग अलग कैरेक्टर्स करूँगी, मगर ये इसमें मुझे लगता है मैंने एक्टिंग नहीं की. पाकिस्तान में बहुत सारी मूवीज बनती हैं, लोग सिनेमा की तरफ उस तरीके से रागिब हो नहीं पाते क्योंकि सिनेमा के अंदर आने वाली मूवीज जो है उस गैप को फिल नहीं करती कि जिसके लिए बुनियादी तौर पर इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई गैप है तो उसी गैप में जाकर बैठना है. आप क्या समझते हैं कि तलाश उस गैप को फिल कर पाएगी जो इंडस्ट्री के अंदर गैप है, जो प्लॉट के प्रॉब्लम्स हैं, लोग अटक नहीं पाते किसी उसके साथ? आई थिंक तलाश उस गैप को बिल्कुल ब्रिज करेगी और ऑडियंस को आई थिंक बोर नहीं होने देगी. एक अच्छा कॉज तो है साइड पे एट द बैकबोन ऑफ द प्रोजेक्ट, लेकिन अलॉन्ग द वे जिस तरह स्क्रिप्ट अनफोल्ड होती है उस पर एंटरटेनमेंट भी है, कॉमेडी है, एक्शन है, इट्स समथिंग फॉर एवरीबडी. अगर आप अपनी पूरी फैमिली को लेके आएंगे, विच आई होप यू नो के पूरी सारी फैमिलीज निकलें 15 नवंबर को और जाके हमारी फिल्म देखें, तो बच्चों के लिए भी काफ़ी एंटरटेनिंग होगी, माँ बाप के लिए भी थोड़ी एजुकेशनल होगी, शायद उनको 2-4 बातें पता चल जाएं जो नहीं पता थी उनको पहले. बट अलॉन्ग द वे आई थिंक हाँ एंटरटेनमेंट फैक्टर बोर नहीं होने देंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी विल ब्रिज दैट गैप इंशाल्लाह. अच्छा आपसे भी वही सवाल है जो मैंने फारिया से किया, सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ के अंदर आया? पूरी प्रोडक्शन इतना बड़ा एक कैनवस होता है, उसमें काफ़ी दिन तक आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? लोकेशंस पे ज़्यादा मज़ा आया या वो जो लोग फारिया को ऐसे देख रहे थे उन्हें देख के ज़्यादा मज़ा आया? कहाँ मज़ा आया? मुझे मज़ा नहीं आया, मैं थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाता हूँ. लड़ तो नहीं पड़े आप किसी से? नहीं, लेकिन होता है कुछ एरियाज में लोगों को बताना पड़ता है कि यार आप लाइन ना क्रॉस करें. खैर Before answering your question, so I'd like to say, you know, big shout out to our director and our production team. Yeah. Saleem bhai ne bhi ye baat ko touch kiya tha ki jitna unhone khayal rakha tha aur jitna at ease hame kar diya tha. To hame aisi koi tension rahi nahi thi ki hum bura mana sakein kisi cheez ke upar. Koi opportunity nahi di gayi. To humne bada enjoy kiya hamara time wahan pe aur bahut aasan bana diya unhone situation hamare liye ki hum sirf apne craft ke upar focus kare. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो आपने पूछा, सबसे ज़्यादा मज़ा मैं लकी इस सेंस में था कि मुझे एक्शन सीक्वेंस करने को मिला था एंड मैंने ग्रीन स्क्रीन वायर वर्क भी किया. हमारे एक बड़े फेमस एक्शन डायरेक्टर, उन्होंने तीफा एंड ट्रैवल भी किया था, शाहजी नाम है उनका, ही डायरेक्टर द इंटायर एक्शन सीक्वेंस. तो उनके साथ काम करके मुझे अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी का पता चला कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ. जब एक चीज़ नहीं हो रही थी तो मुझे विल पावर का पता चला कि नहीं मैं अपने आप को पुश कर सकता हूँ. उस चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आया था टू फाइंड अ फ्यू थिंग्स अबाउट माई सेल्फ. बड़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि मेरे अंदर इतनी जान थी और वो आप रोल कर सकते मैं वो अचीव कर सका जो चीज़ मुझे इंटरेस्ट की गई थी डायरेक्टर से. और दूसरा एक हमने फारिया बाई स्टैंडर्ड थी इस सिचुएशन में क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था गाड़ी को, कोई स्टंट मैन नहीं था, गाड़ी मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ, एक्सीडेंट सीक्वेंस भी मैं ही कर रहा था, टीपू भाई पीछे बैठे हुए थे और फारिया मेरे साथ बैठी हुई थी. फनी बात यह है कि वो लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है और फारिया राइट पे इन द लाइन ऑफ अटैक थी कि अगर कोई गाड़ी आती भी तो वो पहले इनकी साइड से आती थी.
तो मेरे ऊपर यानी कि केकड़े नुमा जो ट्रक आते हैं वहाँ पे थर्म सर पार्कर में, वो जिनके मुंह आगे से निकले होते हैं वो आपकी तरफ आते हैं, वो रिएक्शन जो आप देखेंगे ना फारिया का, वो एक जेन्युइन रिएक्शन है। तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि दो बड़े फेमस लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और ऐसी कोई हरकत मैं कर नहीं सकता कि यू नो अल्लाह माफ करे, खबर नहीं बनना चाहते थे। बिल्कुल, मैं ऐसी कोई न्यूज़ चाहता ही नहीं था कि मेरे सर के ऊपर आके गिरे, बट अल्लाह का बहुत फजल करम है कि सब कुछ बड़ा स्मूथली चला गया। वेदर वाइज जो लोग वहाँ थे उन्होंने हमारा ख्याल रखा, लोगों ने अपने घरों में इन्वाइट किया, हमें खाने खिलाए, हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं उनकी हॉस्पिटैलिटी और मेहमान नवाजी की वजह से, बहुत ग्रेटफुल हैं। खाली पहला एक्सपीरियंस था, इस एक्सपीरियंस को अगर आप अल्फाज में ढालें तो अल्फाज क्या होंगे, क्योंकि प्रोग्राम का अख्तामी लम्हा है, हमने प्रोग्राम को ख़त्म भी करना है, तो आखिरी अगर बात आप करें अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, फिर अहमद से भी उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि बस सो था, बस हो गया काम था, एक कर लिया, तो इस एक्सपीरियंस को अल्फाज में कैसे डालेंगी? मैं कहूँगी बेस्ट एक्सपीरियंस था, मुझे मज़ा आया, मतलब कहीं कोई ऐसा होता है ना कि हो जाए या नहीं, ऐसा था दिल खराब हो जाए किसी जगह से, नहीं अभी भी हम बल्कि या शौक से ज्यादा काम बन जाए। हाँ मज़ा आया थ्रू आउट ऑनेस्टली, मेरा जब सीन नहीं होता था मैं BTS बना रही होती थी, यू नो हमने कोई ऐसा था ही नहीं, जो मैं और मेरी मेकअप आर्टिस्ट छत पे चले जाते थे, यू नो एक्सप्लोर भी कर रहे थे, अच्छा रहा, बहुत अच्छा। अहमद आप क्या कहेंगे खितामी जुमले में? सर ओवरऑल एक्सपीरियंस, और आपने ये भी बताना है कि लोग 15 तारीख को क्या एक्सपेक्ट करें आप? बिल्कुल, अब बीइंग एन एक्टर हुज ओनली डन टेलीविजन बिफोर दिस फिल्म, तो हम बड़े यूज्ड टू हो गए थे टेलीविजन के, द वे ऑफ वर्किंग इन टेलीविजन, तो उसमें बड़ा लेड आउट होता है, लेड बैक होता है, हम दिन के 15 सीन करते हैं, हमें पता होता है स्ट्रक्चर क्या है। फिल्म में आते ही वो सारी चीज़ इज थ्रोन आउट द विंडो, एक सीन होता है दिन का, उसी के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है, उसके 20 डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एंगल्स होते हैं, कैमरा सेटअप्स होते हैं, तो एज एन एक्टर आपको वो कंसिस्टेंसी अपनी परफॉर्मेंस में लानी होती है कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते, बिकॉज वो चीज़ फिर से करनी पड़ जाएगी आपको, तो काफ़ी डिफरेंसेस थे। रीटेक्स होते रहे बार बार? नहीं एज सच नहीं, हम थोड़ी वेरिएशंस भी दे देते थे, और अगर होते थे तो कभी ये होता था कि हवा से बाल उड़ गए या मिट्टी आ गई, तो बिकॉज हम मतलब आपका कसूर नहीं था, कुदरती आफात थी। भाई मैं तो यही बोलूंगा कि मेरा कसूर नहीं था, लेकिन 90% फिल्म आउटडोर है। हाँ आउटडोर है, बहुत मुश्किल होता है, आप एलिमेंट्स के साथ कॉन्स्टेंटली लड़ रहे होते हैं, जब आपको एक स्प्लिट सेकंड मिलता है जहाँ पे हवा रुक जाती है, तो हम वी वुड जंप इन के जी ये सीन करते हैं अभी, बट अच्छी बात यही थी कि द एंटायर कास्ट एंड द क्रू एंड हमारे मेकअप आर्टिस्ट एंड एवरीवन, अनुषा की टीम ने बहुत जबरदस्त काम किया, हर बंदा ऑन पॉइंट खड़ा होता था कि अभी हमें 10 सेकंड मिले हैं, तो जंप इन करके सब कुछ रेडी हो जाता था एंड वी वर गुड टू गो। चलें बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप स्टूडियो तशरीफ लाए, अहमद आपका बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी फिल्म कहने में आ रहा है। जीशान भाई से ही मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपको बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ मिलेगी, सिंधी कल्चर उसके अंदर नज़र आएगा, आपको एक मैसेज नज़र आएगा। नाज़रीन इन्हीं सारी चीज़ों के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि उम्मीद ये करेंगे कि 15 नवंबर को जो आप अपने पर्दे के ऊपर मूवी देखेंगे वो दूसरों से मुख्तलिफ होगी, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, वो उसमें कल्चर भी होगा, उसमें प्यार भी होगा, उसमें मोहब्बत भी होगी, वो सारी चीज़ों का इंशाल्लाह इंतज़ार रहेगा। देखते हैं फिल्म में क्या होता है, अगले प्रोग्राम तक ले आ दीजिए।